वेलकम मेरे भाई मेरे दोस्तों, बॉर्डर टू में हो चुकी है बेड़िया की एंट्री। बॉर्डर टू से कौन आउट हो चुका है और कौन इन सब बताऊंगा। इससे पहले आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज सन्नी पाजी के फैंस है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दरअसल पक्के सोर्सेस से खबर मिल रही है कि बॉर्डर टू में बेड़िया यानी कि वरुण धवन की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना, वरुण धवन हमें बॉर्डर टू में सन्नी पाजी के साथ देखने को मिलने वाले हैं। दरअसल आयुष्मान खुराना ने जिस रोल को ये कहते हुए ना बोल दिया था कि इस मूवी में सन्नी देओल का स्किन प्रेजेंट ज्यादा है, इसीलिए मैं ये रोल नहीं करना चाहता, तो वही रोल वरुण धवन को मेकर्स ने ऑफर किया है और वरुण धवन ने जट से इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। कहीं ना कहीं वरुण धवन को पता है कि ये रोल करने से मेरा कैरियर में इतनी पीक आएगी कि मेरा कैरियर कहीं से कहीं जा सकता है। आयुष्मान खुराना उसे नहीं समझ सके और आयुष्मान खुराना अब इस मूवी से आउट हो चुके हैं। अब मूवी की कास्टिंग होती है दलजीत दोसांझ, वरुण धवन और सन्नी पाजी, ये तीनों नाम तो फाइनल है। इनके अलावा सुनील शेट्टी भी इस मूवी में हो सकते हैं। उनके अलावा उनके बेटे अहान शेट्टी को भी रखा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो बॉर्डर टू इतनी बड़ी मूवी है तो उस मूवी की कास्ट भी उतनी बड़ी ही होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं खबरें तो ये भी मिल रही है कि ये फिल्म पैन इंडिया रिलीज होने वाली है और साउथ से कुछ एक्ट्रेस को कास्ट किया जा सकता है। तो मैं आपको एक बार बॉर्डर टू से रिलेटेड जो नाम चल रहे हैं उनके नाम बता दूं तो कहीं ना कहीं वरुण धवन, दलजीत दोसांझ और सन्नी पाजी तो फाइनल ही है। उनके अलावा एमी विर्क, अहान शेट्टी और सुनील शेट्टी भी इस मूवी के साथ जुड़ सकते हैं। तो आने वाले समय में हमें काफी एक्ट्रेस इस मूवी के साथ जुड़ते देखने को मिल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, इस रोल के लिए आयुष्मान खुराना बेटर थे या वरुण धवन बेटर है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए आपके अपने भाई की चैनल पागल बॉलीवुड को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू मेरे भाई मेरे दोस्तों।